गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आपने अपनी बुक निकाली है सुनने की? ठीक है, बुक निकाल के इसमें हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा था। क्या चल रहा? पार्ट थर्ड, चूहा किसमें था। तो इसमें मैंने आपको शब्दार्थ करा दिए थे, उसके बाद सोचो और बताओ। ये लघु प्रश्नोत्तर मैंने आपको करा दिए थे, कल हमारे दीर्घ प्रश्नोत्तर वो भी कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। ये मैंने आपको कल बताया था, टिक लगवाए भी थे और कहा था कि अपने घर से कर लीजिएगा। आयोजन आज क्या है? ड्रॉ वाला चाहे चित्रण लिखिए, चूहे और बिल्ली पर चाहे चित्रण लिखना है। तो ये है हमारा ड। ठीक है, क्या है ये? चरित्र चित्रण। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है इसमें बिल्ली की तीन और चूहे की कोई दो विशेषता। बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या है? बिल्ली की तीन और चूहे की दो, कोई दो विशेषता में बतानी है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट बिल्ली अपने की तलाश तलाश में कर बैठी रहती है। ठीक है, नंबर टू बिल्ली चूहे को अपने सिकंजे में लेकर बहुत खुश होती है।
नंबर थर्ड, बिल्ली को चूहा दिखते ही बिल्ली चूहा दिखते ही बहुत बुरे पड़ती है। अब है चौथा, जो चूहा बहुत चतुर चालाक था। बहुत ही बुद्धि मार था। तो ये क्या है हमारे बिल्ली के तीन और चूहे की दो विशेषताएं हैं। बिल्ली क्या है? बिल्ली अपनी शिकार की तलाश में छिप कर बैठी रहती है। बिल्ली चूहे को अपने शिकंजे में लेकर बहुत खुश होती है। बिल्ली को चूहा दिखते ही बहुत बुरी तरह से झपटती है। चूहा बहुत चतुर चालाक था। चूहा बहुत ही बुद्धिमान था। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये हेडिंग आप डालिएगा अपनी कॉपी में, उसके बाद में अपनी नोटबुक में ही आपको करना है। बुक में अभी आप मेरे साथ कर लीजिए, बुक भी फिल हो जाएगी और आपकी कॉपी में भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये मैंने आपको भाषा ज्ञान वाला करवाया था, इसमें मैच करना था, तो आपने मिलान कर लिया था सही सही। अब क्या करना है आपको, एक से अनेक शब्द बनाएंगे। एक से अनेक शब्द क्या है, लड़की तो क्या हो गया लड़कियां, बिल्ली तो बिल्लियां, चूहा चूहे, पंजा पंजे, आंख आंखें, टांग टांगे, ये इस तरीके से आपको मैच करना है। फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो इसमें क्या करना है, विपरीत लिखने वाले में भीतर यानी बाहर, ऊपर नीचे, ठीक है, पीछे का आगे, दिन का रात, आज का कल, खुश का दुख। ओके, ये कंप्लीट। फिर इसमें दे रखा है मिलान कीजिए। मिलान कैसे करना है, इसमें जो आपके जानवर है उनके नाम है और जो पूरी बोली है जो लैंग्वेज है वो यहाँ दे रखी है। जैसे कि बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ, तो अपने को क्या है म्याऊ से मैच करना है। चूहा कैसे करता है, ची 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 ची, देखा ना आपने कभी, सो जाओ चूहे ची 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 करते रहते हैं। कौवा कैसे करता है, काऊ काऊ, और चिड़िया कैसे करती है, चू 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 चू, और कुत्ता कैसे कहता है, भौं 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 भौं। तो हमने इसको मैच किया भौं भौं से,
इसको मैं चोचो से, इसको कांवाओं से, और बिल्ली ने ची 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 ची, तो कैसे करती है चूहा, कैसे करता है, सॉरी चूहा करता है चू 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 चू, तो इसको हमने इधर मैच किया, और चिड़िया को हमने मैच किया ची ची से, ठीक है। अब देखिए 10 पालतू जानवरों के चित्र अपनी गतिविधि पुस्तिका में चिपकाकर नाम लिखित करें। तो ये जो है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, आपका जो पेज नोटबुक है उसमें सबसे लास्ट में 10 जानवरों के नाम, सॉरी पिक्चर चिपकानी है और उनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। अपनी माँ की मदद से कपड़े का चूहा बनाए, अपनी मम्मी की हेल्प से या तो कपड़े का चूहा बनाए, या इसमें तो कपड़े का ही दे रखा है, आजकल तो क्या होम फॉल का भी चूहा बनता है, कभी आप यूट्यूब पे जाके देखो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चूहा बनाना सिखाते हैं, होम फॉल का और थर्माकोल का बहुत सारे, तो आप कपड़े का भी चूहा बनाए या होम फॉल से बनाए, आपके पास ऑप्शन है, या फिर चूहे का चित्र बनाकर उसमें कलर करें, चित्र बना लें और उसमें कलर कर लें। कौन कहता, कौन कहाँ रहता है जरा ढूंढो, तो अब इसमें क्या है, इसमें इनके हाउस के नेम है और इधर आपके जानवरों के नाम है, तो ये क्या है आपको अपने इसमें से देख के लिखना है, क्या करना है, देख देख के आपको लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखिए और लिखिए। जैसे कि चूहा कहाँ रहता है, बिल में, बिल्ली कहाँ रहती है, घर में, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में, घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में, मछली कहाँ रहती है, तालाब में, गीदड़ कहाँ रहते हैं, बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पर, शेर कहाँ रहती है, जंगल में, शेर कहाँ रहता है, गुफा में, और गीदड़ कहाँ रहता है, जंगल में। तो ये तो आपको अपने से ही करना है, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना, क्योंकि आप अपने से ही कर सकते हो, ये ऑलरेडी पहले आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसमें मुझे क्या बताना है, ये आप मुझे बता दीजिए कि मैम आपको ये बताना है या ये नहीं बताना, बाकी इसमें सब बता चुकी हूँ, छोटा छोटा है कुछ नहीं करना, ये जो है आपका है जरूर करना है, और in a book, right? ये आपको अपनी बुक में करना है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, चलिए ओके बाय, टेक केयर।